फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों भारतीय सारी शिक्षा एवं खेलों से संबंधित संस्थाएं जो स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे देश में सारी शिक्षा के प्रसार प्रसार एवं उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उन सबके बारे में मैं पूरा सीरीज चला रही हूँ और इस पूरी सीरीज में इन सब के बारे में पूरी डिटेल से जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक को रखूंगी। तो आज का टॉपिक है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र। ठीक है, इसको शॉर्ट में या भी पीएम बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सभी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, और पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी मैंने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानते हैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के महाराष्ट्र के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1914 में हनुमान क्लब के नाम से हुआ। किसके नाम से? हनुमान क्लब के नाम से। और किसने स्थापना किया इसका? दो स्वतंत्रता सेनानी वैद्य भाइयों ने जिसका नाम था अनंत कृष्ण राव वैद्य वह अंबादास पंत वैद्य। इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1914 में हनुमान क्लब के नाम से इस संस्था की स्थापना किया और कहां पे किया? अमरावती महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का स्थापना 1914 में किसके नाम से हुआ? तो हनुमान क्लब के नाम से। ठीक है, तो कहां पे हुआ? तो अमरावती महाराष्ट्र में। और फिर क्या हुआ कि इस हनुमान क्लब का नाम 1918-19 में बदला गया जिसका नाम रखा गया हनुमान व्यायाम मंदिर। ठीक है, हनुमान व्यायाम मंदिर कब रखा गया? 1918-19 में। फिर इसका नाम रखा गया जो आज वर्तमान में आप लोग जान रहे हैं इसका नाम हनुमान व्यायाम मंदिर से बदलकर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM रखा गया। ठीक है दोस्तों, इस संस्था का स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका स्थापना का यह उद्देश्य था कि भारत में देशी शारीरिक शिक्षा का विकास करना था क्योंकि भारत में उस समय शारीरिक शिक्षा का विशेष विकास नहीं होता था, इसलिए भारत देश में देशी शारीरिक शिक्षा का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ इसका जोड़ना था और अभ्यास की पारंपरिक प्रणाली को यानी कह सकते हैं पारंपरिक प्रणाली को व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक करना, यानी कि जो भी अभ्यास की शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पारंपरिक प्रणाली थी, पुरानी पद्धति थी, उन सबको वैज्ञानिक पद्धति में बदलना इसका एक मुख्य लक्ष्य था। तो ये तीनों लक्ष्य हैं और जो बहुत बड़ा उद्देश्य इसके पूछ दिए जाते हैं, इसलिए उद्देश्य भी याद रखिएगा। तो इस संस्था के दोस्तों जो राजगुरु थे और DS देश पांडे थे, ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी जो है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के विद्यार्थी रह चुके हैं। कौन कौन? राजगुरु और DS देश पांडे। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे संबंधित जो हमेशा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने किस ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया, तो आपके मन में आ गया होगा। तो ठीक, इन्होंने 1936 बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में शारीरिक शिक्षा और गतिविधियों और मलखम का प्रदर्शन किया। कब किया? 1936 में। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1936 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने 1936 के ओलंपिक में जर्मनी बर्लिन में हुआ था, तो इसमें इन्होंने मलखम का सारी गतिविधि और मलखम का प्रदर्शन किया था और इसी से प्रभावित होकर जर्मनी के जो तानाशाह था हिटलर, इस संस्था को 1936 में शानदार प्रदर्शन के लिए पदस्थ भी नवाजा इस संस्था को। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस लिंग यार्ड में अपना प्रदर्शन किया था, जैसे कि ये 1949 के दूसरे लिंग यार्ड में, ठीक है, 1949 के दूसरे लिंग यार्ड में व्यायाम का प्रदर्शन किया था HVPM ने और कहाँ पे? स्टॉकहोम स्वीडन में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो लिंग यार्ड के बारे में मैंने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के यानी कि स्वीडन के शारीरिक शिक्षा इतिहास के स्वीडन डेनमार्क में जो है, तो स्वीडन में पढ़ने के लिंग थे जिन्होंने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा के आगे बढ़ाया और उनके पुत्र जो है पर
हेनरिक के पुत्र जिसका नाम था जलमरलिंग, और पर्ल हेनरिक लिंग के मृत्यु को ही मृत्यु दिवस को ही वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसे लिंग यार्ड बनाया जाता है। लिंग के पुत्र ने 1939 में प्रथम लिंग यार्ड बनाया चाकू में, और द्वितीय लिंग यार्ड बनाया गया 1949 में स्टॉकहोम स्वीडन में, जिसमें हनुमान विहार प्रसारक मंडल ने अपना प्रदर्शन किया। तो हनुमान विहार प्रसारक मंडल ने किस लिंग यार्ड में अपना प्रदर्शन किया? तो 1949 के लिंग यार्ड में स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट है ये भी कि हमेशा मतलब पूछा जाता है कि SBPM द्वारा किस तरह का प्रमाण पत्र चलाया गया? तो दोस्तों SBPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा एक व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र 1914 में प्रारंभ 1924 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो प्रारंभ किया गया 1924 में। ये होता क्या था कि SBPM द्वारा 5 सप्ताह का एक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों और महिलाओं के लिए 1924 में आरम्भ किया गया, जिसको उत्तीर्ण ठीक है जिसको उत्तीर्ण करने वाले को व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। यानी कि जो इसको उत्तीर्ण करता था 5 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण का कोर्स पुरुष या महिला, उसको इसका प्रमाण पत्र यानी व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। ठीक है, तो इसकी प्रारंभ कब हुआ था? 1924 में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र कब से प्रारंभ किया गया? तो 1924 से। ठीक है, और इसी SBPM में कौन कौन से कोर्स होते हैं, यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 1925 से आज तक समर वैकेशन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, यानी गर्मी की छुट्टी यानी ग्रीष्मकालीन कक्षाएं। ठीक है, उसमें से फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी में जैसे कि BPE हो गया, BPL हो गया, MPL हो गया, ये सभी कक्षाएं SBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में कोर्स के रूप में चलाई जाती हैं। ठीक है, योगिक साइंस में भी इसमें चला जाता है। ठीक है, PG डिप्लोमा योगा हो गया, DYED हो गया। ठीक है, ये सब कक्षाएं इसमें चला जाती हैं। और दोस्तों कुछ और बातें हैं इसे संबंधित, जैसे कि 1928 से ही इस संस्था ने भारतीय पारस्परिक खेल व योग को, ठीक है, 1928 से इस संस्था ने भारतीय पारस्परिक खेल व योग को विश्व के कई देशों में भरपूर बढ़ावा दिया। ठीक है, कब से? 1928 से। ठीक है, और इस संस्था ने यानी SBPM ने विश्व के कई देशों में योग को बढ़ावा दिया, और यह देश थे अमेरिका, जर्मनी, रशिया, फिनलैंड, जापान, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील आदि में इन्होंने योग को बहुत बढ़ावा दिया SBPM ने 1928 से ही, तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर 1932 में इस मंडल ने सिविक डिफेंस फोर्स, ठीक है, सिविक डिफेंस फोर्स के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक विशेष विंग बनाई। ठीक है, और बाद में इनको सरकारी संगठनों में भेजा गया, जहां इनकी सेवाएं होम गार्ड, अर्बन इन्फेंट्री, टेरिटोरियल आर्मी के रूप में ली गई। आजादी में ये सब अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये था श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र के बारे में, जिसे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1914 में। किस नाम से हुआ था? तो हनुमान क्लब के नाम से। किसने स्थापित किया था? तो दो वैद्य भाइयों ने, अनंत कृष्ण राव वैद्य व अंबादास पंत वैद्य ने। कहाँ हुआ था? तो अमरावती महाराष्ट्र में। इसका नाम कब बदला गया? 1918-19 में हनुमान व्यायाम मंदिर के नाम से, फिर इसका नाम बाद में बदलकर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल हो गया। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन्होंने किस ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में किया। और फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लिंग यार्ड में इन्होंने अपना खेल का प्रदर्शन किया? तो दूसरे लिंग यार्ड 1949 के स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, और इसके द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र चलाया गया? तो व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र 1924 में चलाया गया। तो कितने सप्ताह का कोर्स है? तो उस 5 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन कोर्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और इससे बाहर मैं दावा करती हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और इसका नॉलेज लोगों तक पहुँच सके।
तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।